दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहाँ ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज़ महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज़ का मकबरा भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल को इस कदर प्यार करते थे कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरों में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज़ बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज़ की मोहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी किया करता था। वहीं 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी उन्हें अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। शाहजहाँ अपनी प्रिय बेगम की मौत की खबर सुनकर अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ का मकबरा बनाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए शाहजहाँ और मुमताज़ के प्रेम का बेमिसाल प्रतीक माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावटों में छोटी छोटी बारीकों का ध्यान रखा गया है। यह वजह है कि निर्माण के इतने साल बाद आज भी लोग इस खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1653 ईस्वी में पूरा हो सका था। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के देखरेख में बनाया था। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे इसमें नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी किनारे किया गया है। इसके चारों तरफ मीनारें बनाई गई हैं। ये मीनार ताजमहल को संतुलन देती है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुका दिया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरें। निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात में सुनहरा नजर आता है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया, जबकि उसके संतान औरंगजेब ने इसका काफ़ी विरोध किया। बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहाँ ने उस समय करीब 20 लाख रुपये की लागत खर्च की, जो कि आज की करीब $827 मिलियन यानी 52.8 अरब रुपये हैं। और गाइस, मैं यहाँ पर माइक लगाना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर आपको यही बता रहा था कि ये जो पीछे चबूतरा देख रहे हैं आप, ये वही चबूतरा है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब ताजमहल घूमने आते हैं या VIP जितने भी आते हैं ताजमहल घूमने, तो इस चबूतरे के ऊपर ही बैठकर सारे फ़ोटो खिंचवाते हैं। जो उनकी अखबारों में, न्यूज़ में फ़ोटो आती है वो यहीं पर होती है। ये मेन चबूतरा है और इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ भी है कि सबसे अच्छे फ़ोटो यहीं पर आते हैं, तो ये वही जगह है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप कभी आए ताजमहल तो यहाँ पर बैठकर आप सेलिब्रिटी वाली फील ले सकते हैं। तो गाइस, ये एक छोटा सा टूर था ताजमहल का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।